वाला इनका मोड है, उसको अब हम किस तरह से फिट कर रहे हैं। इसका इनलेट और आउटलेट, आउटलेट है ना, टाइल्स बैठने से पहले फिट करने का रहता है, तो उसको किस तरह से फिट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आसान तरीका है दोस्तों, ये देखो सबसे पहले ना यहाँ से ये आउटलेट है और ये प्लस का इनलेट है, तो सबसे पहला आउटलेट का सेंटर देखना है हमने नीचे से। ये देखो ये नीचे से आउटलेट का सेंटर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमने मार्किंग ये ध्यान में रखना है। और यहाँ का भी सेंटर देखना है, ये सेंटर तो ये सेंटर कितना है देखना है दोस्तों, इनलेट और आउटलेट का सेंटर भी देखना है। ये यहाँ से सेंटर 7 आ रहा है नीचे से, और यहाँ से कितना आ रहा है, 5.5 है, तो हमें ध्यान में रखकर वहाँ पे अभी फिटिंग करना है बाथरूम में, कि हमने किस तरह से फिट गए हैं आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे फिट करके लिया है, ये हमने कैसे फिट किया आपको दिखाने के लिए रहेगा दोस्तों। ये देखो सबसे पहले है ना, जो हमारे कमोड का सेंटर है 7 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका सेंटर जो है नीचे से ये 11.5 सेंटर लिया है दोस्तों, ताकि 4 इंच है ना हमने टाइल्स और नीचे जो गैप रहेगा टाइल्स और कमोड के बीच में, वो 2 इंच आएगा, 2 से 2.5 इंच आएगा, इसलिए क्या किया हमने 4 इंच ज़्यादा ऊपर लिया है इसको। यहाँ पे 2 इंच ये आएगा, टाइल्स आएगी और उसके ऊपर हमारा कमोड बैठेगा, इसलिए हमने 11.5 इसका सेंटर रखा है। और यहाँ से जो रखा है दोस्तों हमने, ये 5.5 का रखा है दोस्तों सेंटर, इन दोनों का सेंटर 5.5 है, इस तरीके से रखना है। और फ्लश को अभी हम फिक्स करके लेना है दोस्तों, ये वो लो ब्लॉक वीट है दोस्तों, ये थोड़ी यहाँ नाजुक वीट रहती है, यानी नरम रहती है, आसानी के साथ होल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लेजोल बनने वाले हैं। एक ईट का बांधकाम आएगा 1-4 इंच का, यहाँ से 2 फीट या 3 फीट तक आएगा दोस्तों। दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।